हेलो, आई एम मनीषा। शारदा डिजाइन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बनाएंगे घर पर ही रोज वाटर या गुलाब जल, जो हमारे गार्डन में फूल लगे होते हैं रोज गुलाब के फूल, आज हम उन्हीं से रोज वाटर बनाएंगे। गुलाब जल बनाना बहुत ही आसान है, इसमें ना ही कोई केमिकल होगा और ना ही कोई मिलावट होगी। देखिए, इस तरह से मैंने ये जो मेरे गार्डन में फूल लगे हुए थे गुलाब के, इस तरह से मैंने तोड़ लिए हैं। देखिए, इस तरह से आज हम इन्हीं से रोज वाटर बनाएंगे, जो बहुत ही शुद्ध होता है, प्योर होता है और बनाना भी काफी आसान होता है। ये मेरे घर पर ही लगे हुए हैं गुलाब। देखिए, इस तरह से छोटा सा मैंने गार्डन बना रखा है अपने आंगन में। इस तरह से देखिए बाहर घर के, आप इस तरह से देखिए, मैंने ये फ्लोवर तोड़ लिए हैं इस तरह से देखिए, और इसको बनाना काफी आसान है। देखिए, इस तरह से मैंने ये फ्लोवर ले रखे हैं, इस तरह से देखिए, एकदम फ्रेश फ्लोवर हैं ये। गुलाब की पत्तियां मैंने इस तरह से तोड़ ली हैं। घर पर बने हुए गुलाब जल को आप फ्रिज में 2 से 3 हफ्ते तक स्टोर करके रख सकते हो, क्योंकि जो मार्केट वाला रोज वाटर आता है उसमें केमिकल मिला होता है, इसलिए वो काफ़ी दिन तक खराब नहीं होता। पर ये घर का है तो इसलिए ये 2 से 3 हफ्ते आराम से आपका चल जाएगा। आप इससे फेस पैक कुछ भी बना सकते हो। इस तरह से आपको स्टील का एक इस तरह से बर्तन लेना है, और इस तरह से मैंने इसमें पौन गिलास, पूरा एक गिलास पानी नहीं है, पौन गिलास पानी है, क्योंकि मेरे फ्लोवर थोड़े कम हैं। और इस तरह से इनको थोड़ा मैश कर लेंगे आप हाथों से अच्छे से। देखिए, इस तरह से जैसे मैंने इसमें पौन गिलास पानी डाला है, तो जब हमारा आधा गिलास, आधे से गिलास से भी कम, मतलब पौन गिलास का भी आधा हो जाएगा गरम करने के बाद, इसको उबालने के बाद, तब हमारा रोज वाटर बन के तैयार हो जाता है। तो इस तरह से आप इसमें इसको मिक्स कर लेंगे पानी में, एकदम ये नॉर्मल वाटर है अभी। तो अब इसको देखिए, इतना था, जब इतना रह जाए और ऊपर इसका हल्का हल्का सा ऑयल तैरने लगता है पानी के, तो समझो हमारा गुलाब जल बनके बिल्कुल तैयार है। इस तरह से देखिए, मैंने इसको गैस पर रख दिया है, और अब मैं इसको धीमी आंच, मैं इसकी धीमी गैस रखूंगी इस तरह से, और तब हम इसको ढककर पकने के लिए रख देंगे। ये धीमी धीमी आंच पर ही पकाना है। इस तरह से देखिए, इस तरह से देखिए, जो मेरी गुलाब की पत्तियां थी उनका कलर भी चेंज हो गया है, और जो मेरा ये इसमें बैटर था उसका कलर भी चेंज हो गया है। इस तरह से देखिए, इसको थोड़ा और हम पकाएंगे, इस तरह से उबाल लगाएंगे। इस तरह से देखिए, ये जो पानी था वो आधा रह गया है। अब इस तरह से मैं इसको छान लूंगी, और ठंडा होने के बाद इसको मैं कांच की बोतल में भर लूंगी। देखिए, इस तरह से इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। जहां पर मैं ये किचन में बना रही हूँ, तो वहां पर इसी की खुशबू आ रही है। अब देखिए, ये इतना था तो ये इतना रह गया, तो समझो मेरा रोज वाटर बिल्कुल तैयार है। ये एकदम शुद्ध होता है, इसमें कोई मिलावट नहीं होती। इस तरह से मैं इसको एक कांच की बोतल लूंगी और इसमें इसको भर दूंगी। देखिए, ठंडा होने के बाद इस तरह से देखिए, इसका कलर भी कितना अच्छा लग रहा है, और इसकी खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही है, बहुत ही अच्छी। इस तरह से ये 2 से 3 हफ्ते तक आराम से चल जाता है फ्रिज में, और आपके जो गार्डन में
फूल होते हैं वो भी चल जाते हैं। अब मैं इसका फेस पैक आपको बनाना बताऊंगी। देखिए इसमें आधा चम्मच तो बेसन है और कुछ मैंने इसमें एक चुटकी हल्दी मिलाई है और इसमें दो तीन बूंदे नींबू की हैं और थोड़ा मैं देखिए इस तरह से इसमें एक चम्मच गुलाब जल ऐड कर दूंगी। इस तरह से देखिए इस फेस पैक को आप चेहरे पर फेस पर रोज लगा सकते हो नहाने से पहले 10 या 15 मिनट पहले। इस तरह से देखिए इसको मिक्स कर लेंगे इस तरह से। अब इसको चेहरे पर किस तरह से लगाना है देखिए, इस तरह से हाथों से चेहरे पर लगा करके थोड़ी देर मसाज करनी है। देखिए इस तरह से हल्के हल्के हाथ से नेक पर, चेहरे पर, आंखों के नीचे इस तरह से अच्छे से इस तरह से दोनों हाथों से चेहरे की हल्के हल्के हाथों से मसाज करेंगे। इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आता है। आप एक हफ्ते में ही देखना कितना अच्छा रिजल्ट आता है इस फेस पैक का। देखिए इस तरह से चेहरे पर ऐसे इस तरह से हैंड फिंगर से चेहरे की अच्छे से मसाज करेंगे। देखिए सारे में इस फेस पैक को लगा लेंगे इस तरह से। देखिए मैंने सारे में इस फेस पैक को लगा लिया है और 15 मिनट पर सूख जाने के बाद जब ये सूख जाए सारा फेस पैक तो आप इस तरह से देखिए 15 मिनट हो चुके हैं। इस तरह से इस फेस पैक को हम हल्के हल्के हाथ से हटाएंगे। फिर धुलने के बाद देखिए चेहरे पर कितने ग्लो आ जाता है। देखिए कितना एकदम आपको इसका फ़र्क एक हफ्ते के बाद ही पता चल जाएगा कि कितना अच्छा है इस फेस पैक का रिजल्ट। अब देखिए इस तरह से आप जो ये हमारा रोज वाटर है आप इसको अपने फूड में भी इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि ये घर पर बना हुआ है, इसमें कोई केमिकल नहीं है। इस तरह से देखिए आप जो भी चीज़ अपने गार्डन में लगाते हैं काफ़ी यूजफुल होती हैं। जैसे मैंने आज गुलाब के फूलों से रोज़ वाटर बनाया है, आप भी कुछ भी बना सकती हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।